नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं या छात्र हैं, उनको जो छात्रवृत्ति बिहार सरकार के तरफ से मिलती थी, उसमें लगातार धांधली की बात कही जा रही थी। इसलिए आज शिक्षा विभाग ने दो महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिसमें शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं। उन्होंने इस योजना का शुभारंभ करते दौरान उन्होंने कहा कि जो धांधली की खबरें आ रही थी या जो बच्चों को मुश्किलें हो रही थी पैसे मिलने में, छात्रवृत्ति मिलने में, अब उन सब चीज का इस पोर्टल के द्वारा समाधान कर लिया जाएगा। साथ ही उनको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो समय लगता था, वो समय भी बचेगा और आसानी से उस पोर्टल पे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जल्द से जल्द कराया जा सकेगा। और भी क्या कुछ कह रहे हैं इस पोर्टल के बारे में और इस योजनाओं से जुड़े बातों के बारे में, आप खुद सुनिए। सभी चीजों की जांच पड़ताल करके हमारे तीनों विभागों की समेकित रूप से ये कोशिश होगी कि NIC के माध्यम से उन बच्चों के खातों में पैसे समय से पहुंच जाए। ये सोच के देखिए कितना बड़ा परिवर्तन लाने वाली चीज़ है। और कारण भी है, विशेषता इस पोर्टल की है, इस सिस्टम की है, इस प्रणाली की है कि इसमें कुछ इन बिल्ट ऐसे मतलब इम्प्रोवाइज सिस्टम्स डाले गए हैं जिससे सब कुछ आसान हो जाएगा। जो आय प्रमाण पत्र था, जो कास्ट आवासीय प्रमाण पत्र था, जाति प्रमाण पत्र था, जिसका ऑफलाइन वेरिफिकेशन में कितना समय न जाने लगता था, वो सब प्रक्रिया अगर ऑनलाइन हो जाती है तो समझ लीजिए कितनी सहूलियत होगी। और यही सब तो खासियत है इस डेवलप्ड IT का। तो उन सब चीज़ों को लेके और सबसे अंतिम लाभ जो हमारे गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको कारगर ढंग से पहुंचाने के लिए ये प्रणाली बहुत ही समझिए कि जबरदस्त काम करने वाली। अभी समझिए हम लोग 3 साल पीछे हैं, क्या हालत उन बच्चों की हो रही होगी, परेशानी, जो दाखिला ले लिया है जिन्होंने उच्च कक्षाओं में, लेकिन पैसे जो समय पे मिलने चाहिए नहीं मिल पा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जैसा कि शैलेश जी ने आपको बताया है कि इसके लॉन्च होते ही हम 2 से 3 जो पिछला हमारा बैकलॉग है 18-19 का तो हम लोगों ने किया है, फिर 19-20, 20-21, 21-22 ये सब का एक साथ हम लोग एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पे करा के उनका प्रोसेसिंग कर पाएंगे और जो भी बैकलॉग है उस सब को हम लोग जल्दी से जल्दी क्लियर कर देंगे। इससे बहुत बड़ी सहूलियत हमारे गरीब घर के छात्रों को होगी जिसकी बहुत आवश्यकता थी। और अनावश्यक सरकार की इच्छा है और सरकार की नीति है कि हम बच्चे जो वंचित या गरीब परिवार से आते हैं उनको पढ़ के आगे बढ़ने में मदद करें। सरकार ने पैसे का प्रावधान करके रखा है सिर्फ प्रक्रिया। तो आपने सुना कि विजय कुमार चौधरी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। उनका कहना है कि पहले जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती थी या उनमें जो देरी होती थी उसमें अब आसानी हो जाएगी। अब बच्चे आसानी से अपना पोर्टल पे, चाहे वो आवासीय प्रमाण पत्र हो या जातीय प्रमाण पत्र हो, इन सब में वेरिफिकेशन में काफ़ी समय लगता था, अब उस समय की बचत होगी और वो जो वेरिफिकेशन है वो जल्दी हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 इन सारे छात्रों का जो एप्लीकेशन है इस पोर्टल के माध्यम से एक साथ लिया जाएगा, यानी कि जो भी अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के जो छात्र एवं छात्रा हैं उनको जो छात्रवृत्ति मिलती थी तो उनको अब आसानी से इस पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगी। आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।